आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको प्रोटीन के बारे में कुछ जरूरी जानकारियाँ दूंगी। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर निर्माण की दृष्टि से शरीर विकास की सामान्य अवस्थाओं जैसे शिशु अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था तथा गर्भावस्था जैसी विशेष अवस्थाओं में जब शरीर के विकास की गति तीव्र हो जाती है, आहार में प्रोटीन तत्व का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना अति आवश्यक होता है। इसकी कमी से शरीर का स्वस्थ विकास रुक जाता है और शरीर दुबला होकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। प्रोटीन की प्राप्ति हम दूध, दही, अंडा, मांस, सोयाबीन आदि से कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।